Assalamualaikum viewers, this is Rashid Rao. You are watching legendarybikers.pk. ये मेरा सुजुकी 150 SE है जो मैंने दो माह पहले लिया है, आई थिंक 12 दिसंबर को, और इसमें मैंने कुछ चेंजिंग्स की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसके चारों जो है टर्न इंडिकेटर्स वो चेंज कर दिए हुए हैं. जेनन से मैंने मोक्सी इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए हैं और उनके ऊपर येलो टिंट या फोग पेपर्स मैंने इंस्टॉल किया है. मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ. ये इंडिकेटर्स हमारे ये हैं जी, वो मोक्सी इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स. ये चारों इंडिकेटर्स मैंने जेनुइन को रिमूव करके और ये मोक्सी इंडिकेटर्स इनके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं. सेकेंड नंबर पे मैंने इसके अंदर फुट रेस्ट इंस्टॉल करी हैं, फुट रेस्ट जो कि बोथ साइड्स पे लगे हुए हैं. ये फुट रेस्ट हेल्प करते हैं सेकेंड सीटर को और दूसरा आपकी जो है वो साइलेंसर को ख़राब होने से बचाते हैं, उसके क्रोम को ख़राब होने से बचाते हैं. उसके बाद मैंने इस बाइक में हीट रैप इंस्टॉल किया है, हीट रैप जो कि एग्ज़ॉस्ट को जल्दी ठंडा होने में हेल्प करता है. उसके बाद ये इंजन को जल्दी ठंडा करने में हेल्प करता है ये हीट रैप. और इसके साथ साथ ये आपके अगर टांग टच होती है या कोई आपने सामान यहाँ पे हैंग किया हुआ है इस सेफ गार्ड के ऊपर, तो उसको अगर ये टच हो जाता है तो ये उसको मेल्ट होने से बचाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसको टच नहीं होगा, साइलेंसर के क्रोम को, उस एग्जॉस्ट के क्रोम को टच नहीं होगा, इसलिए वो चीज़ आपकी ख़राब होने से भी बच जाएगी और आपकी टांग भी जलने से बच सकती है. उसके बाद मैंने इसके अंदर 18 वाट की एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई हुई हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको ब्राइटर वीएन के लिए. 18 वाट की एलईडीज जो कि एलईडी का पेयर है, इसके अंदर एक के अंदर 9 एलईडीज लगी हुई हैं और ये काफ़ी अच्छी लाइट है, 3000 ल्यूमिनस लाइट है. इन दोनों की लाइट मैं आपको चेक करवाता हूँ. इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा टॉगल स्विच लगवाया है. अगर हम इस टॉगल स्विच को ऑन कर देंगे और अपनी हेडलाइट को ऑन करेंगे और इसका लो पॉइंट ऑन करेंगे तो हमारी, चूँकि ये दिन का वक्त है, धूप है, लेकिन फिर भी आप इनकी रोशनी देख सकते हैं. मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए ये टॉगल स्विच लगाया है जो कि 3 पोजीशन है, सेंटर में ऑफ, ऊपर की तरफ ऑन और नीचे की तरफ ऑन. तो अभी मैंने जो सेटिंग की हुई है वो एक्स्ट्रा लाइट के लिए ऐसे सेटिंग की हुई है कि अगर ये स्विच इस तरफ ऑन होगा और आपकी हेडलाइट का ये लो की तरफ करेंगे तो फिर लाइट ऑन होगी, अगर हाई की तरफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी. अगर आपका पॉइंट लो की तरफ है और आपने फिर ये बटन ऑफ कर दिया तो लाइट ऑफ हो जाएगी. मीटर के अंदर मैंने जो इसके नीचे वाली लाइट है ये चेंज की है ताकि दिन के वक्त भी आपको क्लियर नज़र आए, जो कि जेन्युइन मतलब है वैसे आपको ये दिन के वक्त नज़र नहीं आता, ये न्यूट्रल आपको काफ़ी डिम नज़र आता है, लेकिन अभी इस एलईडी की वाइट एलईडी की वजह से ये आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि दिन के वक्त भी बाइक के साथ न्यूट्रल पोजिशन में है. अगर आप इसकी हेडलाइट को देखते हैं तो इसके नीचे जो बल्ब होता है वो भी चेंज किया हुआ है. उसके बाद इसके अंदर न्यूट्रल बेल इंस्टॉल की गई है. जब आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आपको इंडिकेट करता रहता है कि आपके टर्न इंडिकेटर ऑन है. मोस्टली रश में क्या होता है कि आप इंडिकेटर ऑन करके भूल जाते हैं, जो कि पीछे आने वाले राइडर मिस गाइड कर रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए इसके अंदर न्यूट्रल बेल इंस्टॉल कर दी. डेंसो कंपनी की है ये न्यूट्रल बेल, डेंसो की है, इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम काबली भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. उसके बाद मैंने इस बाइक में मड फ्लिप इंस्टॉल कराई है जो कि कीचड़ से बचाती है रेनी सीज़न में. ये जब आपके वो मड आपके कपड़ों को और आपके बाइक को गंदा करता है तो उससे बचाने के लिए ये इसमें लगवाई गई है. उसके बाद इसके अंदर सेफ गार्ड लगवाया गया है ताकि आपने अगर सामान वगैरह हैंग करना है तो आप वो भी हैंग कर सकें
और लॉन्ग टूर पे जब आप जाते हैं और ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, तो अगर आप खुदा न खासा गिर जाते हैं तो आपकी ये टांग को बचाता है, आपके बाइक को बचाता है। ये है जी वो मोबाइल होल्डर, और इसके अंदर चार्जिंग के लिए ये पोर्ट दी गई है। इस पोर्ट से हम 5 वोल्ट 2 एम्पेयर आउटपुट ले रहे हैं, जो कि आपकी फास्ट चार्जिंग में हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छी इसकी चार्जिंग है और इस चार्जर की ग्रिप बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप है, लॉन्ग टूर्स पे इसको आप लेके जा सकते हैं, मोबाइल अपना कैरी करने के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए और मोबाइल को यहाँ पे ग्रिप करने के लिए। इसके अंदर एक्स्ट्रा रबर्स दी गई हैं, जिनकी मदद से आप मोबाइल को बहुत मजबूती से ग्रिप कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग करनी हो आपने या जिस तरीके से भी बाइक को चलाना हो, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है। उसके बाद मैंने इस बाइक में जो है वो फ्यूल लॉक इंस्टॉल की है। ये 3 पोजीशन है, अभी पेट्रोल ऑन पोजीशन में है, ये पेट्रोल ऑफ, और ये पेट्रोल रिजर्व पोजीशन में चला गया। तो यहाँ से आप इसकी चाबी को निकाल के अपने पेट्रोल को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑफ़ करके अपनी की को निकाल के और आप अपने पेट्रोल को चोरी होने से बचा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने प्रेशर हॉर्न इंस्टॉल किए हुए हैं। प्रेशर हॉर्न इनकी बहुत अच्छी साउंड है, सीगर कंपनी के ये हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न जिनको हम बोलते हैं। अब मैं आपको इसका हॉर्न का साउंड आपको मैं सुनाता हूँ। इसके लिए ये टॉगल स्विच इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इस टॉगल स्विच को नीचे की तरफ पोजीशन में होगा और आप हॉर्न बटन प्रेस करेंगे तो आपको जी, ये तो थी मेरी मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन पार्ट 1 कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें मैंने माइनर मॉडिफिकेशंस की हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करीब करूँगा। काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने मंगवा लिए हुए हैं और बस उनको इंस्टॉल कराना है, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आऊँगा।